हाय दोस्तों, कैसे हैं? बहुत अच्छे ही होंगे। अच्छा बिजनेस हो रही है। और मैं दूसरा जो शेयर लेके आज आज के दिन आया वो हीरो मोटर कॉर्प है। आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई हो। आप इन्जॉय करें। आज हीरो मोटर कॉर्प कंटिन्यू आप देख रहे हैं चार्ट पे एक निगेटिव पैटर्न फॉलो कर रहा है। 3825 से कंटिन्यू लोअर 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 बनाते जा रहा है। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ रहा है ये। और 5 लाख 7,75,000 के एवरेज वॉल्यूम से इसने 25 तारीख को तोड़ा है। बाय सेंटीमेंट 60-40 हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे डिलीवरी जो परसेंटेज हो रही है 36-30% की, 36% की डिलीवरी हो रही है। और अगर मैं होल्डिंग परसेंट दिखाऊँ, शेयर होल्डिंग परसेंटेज दिखाऊँ, तो थोड़ा सा इन्होंने सेप्टेम्बर में 34.64 था उसको, 6 रहा, लेकिन दिसंबर में उन्होंने मेंटेन किया है। अगर मैं हीरो मोटर कैब की फाइनेंशियल की बात करूँ कि ये फाइनेंशियल क्या है, तो हीरो मोटर कैब इज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स मोटराइज टू व्हीलर अप टू 350 क्यूबिक सीसी इंजन कैपेसिटी, स्पेयर पार्ट्स एंड रिलेटेड सर्विसेस। फाइनेंशियली ये 53,000 मार्केट कैप है, 2,670 जैसे आपको रेट आपको बताया गया, यहाँ पे बताया आपको दिखाया 2,670 वो रेट चल रहा है। अगर इसका देखें तो डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खराब नहीं है, डिविडेंड अच्छा खासा देता है। 3% का डिविडेंड दे रहा है वो, 3.56, 4%, 3.5% का। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है। जीरो डेप्ट की कंपनी है। कैश थोड़ा कम मेंटेन करती है। अब कैश इसके पास नहीं है और 13 टाइम्स के मार्केट कैप पे है वो, तो एक कैश में जो बैलेंस है वो नहीं है। थोड़ा इंटरेस्ट कवरेज जीरो नहीं है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.2 टाइम्स मिल रही है, गिरने के बाद अभी 4.2 टाइम्स हो गया, एक अच्छी चीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% का, ये भी अच्छा है। खराब क्या था, ये क्या 5.32% जो सेल्स ग्रोथ है ना, ये थोड़ा सा खराब दिखता है। मोटर बाइक साइकिल में अगर 5% का ग्रोथ है और लास्ट 3 ईयर से ये मेंटेन कर रही है इसी ग्रोथ को, ये एक वीकनेस का कारण है। और पी की बात करें तो हीरो मोटर कॉर्प का 14 का पी है, आइसर मोटर का 25 का है और टीवीएस मोटर का 33 का है, तो पी से तो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। और अगर मैं इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहूँ तो क्वार्टरली सेल्स की बात बोलूँ वेरियंस, तो आइसर मोटर 11% से अप है, 26% से टीवीएस मोटर है, सिर्फ 8.59% से अप है। प्रॉफिट की बात करो, क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करो तो -3% है हीरो मोटर का, आइसर का 5% है और 15.57% से है। अगर शेयर होल्डिंग परसेंट की बात करो, जो कि थोड़ा एक कंसर्न है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग परसेंट नहीं बढ़ाया अपना, 34.63 ही है, बहुत कम है, लेकिन अच्छी बात है। फिर FI 40% के साथ है और FI ने बाइंग पोजीशन बनाई है, FI इंक्रीज किया है सितंबर से दिसंबर में, FI ने 1% की होल्डिंग बढ़ाई है, इंश्योरेंस कंपनी ने होल्डिंग बढ़ाई है इसमें। और एक प्रमोटर बहादुर चंद इन्वेस्टमेंट लिमिटेड सबसे ज्यादा इसके पास होल्डिंग है 20% की और LIC के पास 5% की, तो ये होल्डिंग परसेंट है। प्रमोटर का थोड़ा कम दिखता है लेकिन FI प्लस है, FI ने बदला बढ़ाया है यहाँ पे। अगर रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न थोड़ा सा निगेटिव हो गया अभी, जो ये फॉल किया है कंटिन्यूस, लेकिन 3 साल का रिटर्न 5% का है। अगर मैं इसके रिकमेंडेशन की बात करूं तो एडलविस ने इसको बाई का रिकमेंडेशन दिया है, 3162 का टारगेट दिया है, ये 28 दिसंबर का है। शरीफ खान ने 31 दिसंबर को 3600 का टारगेट दिया है और इसके पहले 3800 का टारगेट दिया था आशीष चंद्र जी ने, अक्टूबर में दिया था। और गोरांट निर्मल बंग ने इसको, गोरांग धवल ने, निर्मल बंग ने इसको 3400 का टारगेट दिया था। 3600 का HDFC सिक्योरिटी ने दिया था 16 अक्टूबर 2018 को। 3300 का दिया था प्रहलाद लीलाधर ने। रिसेंट जो रिकमेंडेशन है वो एडलिविस का है और शारिक खान का है, 3600 और 3100 का टारगेट दिया है इन्होंने, ये इनका टारगेट है। अगर डेरिवेटिव में पोजीशन देखो तो रिसेंटली कोई भी कॉल के साइड पोजीशन नहीं है, जो भी है थोड़ा पुट की और 2500 की और ही बन रहा है,
पुट में इन्होंने पोजीशन बनते हुए देखा है, निगेटिव भी बन रहा है पैटर्न। और अगर मैं इसको चार्ट पे देखने की कोशिश करूं तो हो सकता है ये आपको, पहले आपको चार्ट टारगेट बता दूं, 2200 और 1700 अगर ये टारगेट दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये आपको 2200 का टारगेट दिखाए, हो सकता है दिखा दे आपको, और यहाँ नहीं रुका तो 1900 में नहीं रुका तो 1700 का टारगेट भी दिखा सकता है आपको। यहाँ पे 1900 पे इसको रुकना चाहिए और यहाँ पे 1900 पे रुकना चाहिए 1895 पे, और यहाँ नहीं रुकता है तो आपको फिर इस लेवल पे आकर के यहाँ पे आपको सपोर्ट इसको मिल सकता है जो 1453 है। इस तीन लेवल पे अपने को सपोर्ट है इसको, और यहाँ तक ये जा सकता है। बाद में 3100 तो उठेगा वो ठीक है, और अभी जो पैटर्न बना हुआ है इसमें आप देखेंगे तो वो निगेटिव ही पैटर्न है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिसिसिव कैंडल बना है, ये इंडिसिसिव कैंडल बना है। आज जो क्लोजिंग दिया है 2670 की क्लोजिंग दिया इंडिसिसिव कैंडल के बाद, और पूरा रेडिश है तो फर्दर फॉल करने की क्षमता पूरा रखता है। आरएसआई भी देखे तो 34% दिखा रहा, मतलब अभी गिर सकता है, ये कोई इशू नहीं है, अभी भी नीचे जा सकता है। तो हो सकता है कि हीरो मोटर कॉर्प भी आपको एक बार, ऑटो सेक्टर में नेगेटिविटी चली रही है। और इसको मूविंग एवरेज पे भी देखो तो इसने डेली बेसिस पे अगर मैं देखूँ इसको तो इसने 50 और 100 दोनों दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। इसमें आप देखेंगे तो ये 100 दिन के मूविंग एवरेज को भी, 200 दिन के मूविंग एवरेज को, और यहाँ पे इसने 100 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए नीचे की ओर क्रॉस किया। तो दोनों लेवल को इसने नीचे की ओर किया, क्रॉस किया, नीचे की ओर तोड़ा है, दोनों लेवल नीचे की ओर जा रहा है, और 100-200 दोनों के लेवल को तोड़ते हुए नीचे की ओर जा रहा है, और अच्छा खासा प्राइस पैटर्न फॉल दिख रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि ये निगेटिविटी कंटिन्यू रहे अभी, और जैसे आपको बताया कि 2200 का लेवल है वहाँ पे एक बार ये अपने को सपोर्ट लेता हुआ देख सकता है। ये 2200 का लेवल है वहाँ पे, फिर यहाँ पे भी 1700 के लेवल से, जहाँ से ये पहला एक बार अप हुआ था, तो हो सकता है 2200 और 1700 के लेवल को ये यहाँ पे टच करने की कोशिश कर सकता है। हीरो मोटर कॉर्प में अभी थोड़ा सा निगेटिविटी ही है, और प्राइस पैटर्न भी देखे तो यहाँ से कैंडल देखे तो इंडिसिसिव के बाद बना है। तो हो सकता है कि आपको हीरो मोटर कॉर्प में सावधानी बरतनी चाहिए आपको, और 2200 के टारगेट के लिए हो सकता है कि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और 2200 तोड़ेगा तो 1900 के बाद 1700 का भी टारगेट ये दिखा दे तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है अभी। तो हीरो मोटर कॉर्प एक नेगेटिव पैटर्न है चार्ट पे, फाइनेंशियल आपको बता दिया, उस पर कॉन्स्टेंट सेल्स ग्रोथ 5% का था, चाहे 11% TVS मोटर दे रहा है, वहाँ 5% से ये ग्रोथ दे रहा है। तो एक सेल्स ग्रोथ है जो कि अभी एक साल हो सकता है कि मोटर सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा गिरावट ही देखने को मिले आपको, तो इस कारण भी अभी जो है इसमें एक निगेटिविटी है। और चूंकि इसने अभी सारे डेमा को तोड़ा हुआ है, मेन इंपॉर्टेंट मेजर लॉन्ग टर्म के डेमा को तोड़ा हुआ है, तो अभी इसमें कोई भी पैटर्न, और अगर एक बार इसको वीकली भी देख ले तो आप देखेंगे ये वीकली डेमा को भी तोड़ते हुए नीचे की ओर आ रहा है। तो अभी किसी भी तरफ से आप देखेंगे इसको तो इसने निगेटिव पैटर्न ही बनाया है। तो इसके 2200 के टारगेट के लिए इसको हीरो मोटर कॉर्प शायद नीचे की ओर 2200 तक ये आपको दिखा सकता है, और फिर वहाँ से 1900 और 1700 का अवेलेबल हो सकता है, वहाँ पे पैटर्न कैसा रहता है। तो अभी निगेटिव पैटर्न है, और RSI देखे तो 34% है, तो ये नीचे आराम से 0% तक तो जा ही सकता है। चलिए हीरो मोटर कॉर्प में सावधानी बरती है, हीरो मोटर कॉर्प में निगेटिविटी दिख रहा है, और अच्छे खासे अगर वेटेड एवरेज प्राइस वैल्यूम से भी देखें तो जहाँ इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए थी 2700, वहाँ पे 2600 की क्लोजिंग दी है। तो प्राइस वेटेड एवरेज से भी इसने जो दिया है ये नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव ही क्लोजिंग दिया है, तो कहीं से भी अभी शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। और ये नीचे फॉल करने के लिए 2000 के लेवल को आराम से इंजॉय करने के लिए आ रहा है, मैं आ रहा हूँ नीचे की और वेट करो। तो हीरो मोटर कॉर्प पे नेगेटिव व्यू है, लेकिन ये फाइनेंशियल आपको कोई भी बनाना हो, पोजीशन बनाना हो, या जिस तरह की पोजीशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से भी, जो भी मैं बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। ये फ्यूचर में भी हुआ करता है,
और अगर मैं इसके लॉट की बात करूं, अगर जनवरी की नहीं फरवरी की बात करूं, तो फरवरी में भी आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर इसकी लॉट की मैं इसके एक बार लॉट साइज जो होता है, तो आप लॉट साइज इसका देख लेंगे, तो ये लॉट साइज होता है मार्केट 200 का लॉट साइज होता है। तो फ्यूचर में भी चाहें तो कोई आदमी इसको शॉर्ट करके बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2600 का है, 200 का लॉट साइज होता है। ऑप्शन डेरिवेटिव में टाइम फ्रेम का थोड़ा कैप्चर करना थोड़ा तकलीफ का काम है, फिर भी अगर लगे किसी को कि अगर फ्यूचर में भी देखना है, अभी क्या है ये 7 से 11 तक में फ्यूचर का रेट फरवरी का अच्छा होता है, तो मेरे से पूछे तो मैं 2500 का पोटी लेना पसंद करूंगा, जिसके लिए लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसकी होती है 40 रुपये। तो मैं तो पुट को ही लेके बिलीव करूंगा, इन द मनी जो है इसका 2600 है, तो 2600 की वैल्यू 63 रुपये पे LTP फरवरी की है, 200 का लॉट साइज है, तो मैं पुट की ओर रहना ज़्यादा पसंद करूंगा। लेकिन ये मेरा कोई ये रिपोर्ट नहीं है, मैं एडवाइज आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए और 2600 का पुट 63 का लीजिए। लेकिन इसमें बेहतर क्या है, ये लिक्विड उतना नहीं है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब देखिए 77,000 78,000 का वॉल्यूम है, तो लिक्विड नहीं है इतना ही है, इसमें क्या कोई बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है, तो फ्यूचर शॉर्ट करना ज़्यादा बेहतर रहता है इसमें, रहता देन इसको ऑप्शन के थ्रू डेरिवेटिव के थ्रू ट्रेड करना। बट अगर ये नेगेटिविटी यहाँ पे भी देखो तो ये नेगेटिव भी बता रहा है, और 2500 तक तो आराम से यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, 2450 पे भी एडिशन हो रहा है और 2500 पे भी एडिशन हो रहा है पुट की ओर। देखिए इसमें आप वॉच लिस्ट रखिए, इसको हीरो मोटर कॉर्प को वॉच पे रखिए, और देखिए 2000 के लेवल को कितना शानदार तरीके से आते हुए आपको बताएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये आपको 1800 1900 2000 पे मिले, तो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है, और इसके सेल्स ग्रोथ में अगर परसेंटेज है, अभी किसी को एवरेज अगर किसी के पास पड़ा हुआ है तो एवरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी रहने दीजिए, अगर उठता है ऊपर आता है तो ऊपर ले लेंगे, लेकिन अभी एवरेज तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है। FI इन हो रहे हैं, हो सकता है ये रीजन हो इसको टेक्निकली गिराने का, कि FI इसको बाई करना चाहते हो लोअर लेवल पे, तो गिरा लेने दीजिए और इसको गिरा लेने दीजिए, हम वहाँ पे बाय कर लेंगे 2000 के आसपास, अराउंड बाय करना बेहतर होगा 2200 के आसपास, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हीरो मोटर कॉर्प थोड़ा सा अपने सारे मूविंग एवरेज को तोड़ते हुए नीचे की ओर जा रहा है, इस पर वॉच लिस्ट रखें, ध्यान रखें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।